नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करिए। काविंद्र चौहान मेरा नाम है, आवाज का प्रोग्राम है, आज शनिवार है। दर्शकों, आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं बात करने आप सभी के सामने आया हूं, जिस मुद्दे पर मैं अपने जो कार्यक्रम भारत एट नाइन जो कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आता है उस पर बात करता रहता हूं, और इसको एक मैंने महाअभियान की शक्ल भी दी है। लेकिन आज आवाज के प्रोग्राम में एक बार फिर मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं, लेकिन जैसा कि मेरे कार्यक्रम का नाम है आवाज, तो ये आपकी आवाज है। ऐसे में लखनऊ का जो पूरा मुद्दा है इसको लेकर अब पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी है, लेकिन देश का दिल यानी दिल्ली इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं उस पर मैंने दिल्ली के युवाओं से बातचीत करने के लिए अपने साथियों को भेजा। मेरे साथियों ने उनसे बात की और दिल्ली क्या सोचती है, क्या कुछ कहती है, ये एक रिपोर्ट के जरिए हमने तैयार किया है। कई लोगों ने हमसे बात की, लेकिन हमने उन लोगों को चुना है जिन लोगों ने हमसे सटीक, सीधी और सच्ची बात की है। ये पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप देखिए, पैकेज नुमा रिपोर्ट है, लंबा वक्त लग सकता है लेकिन आप देखिए जरूर, ये देखना आप सभी के लिए जरूरी है। ये रही रिपोर्ट। आप सादत अली को जानते हैं? हाँ, कैब ड्राइवर है वो। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप इस मुद्दे के बारे में कितना जानते हैं? मैं जानता हूँ कि जो इन्होंने किया हुआ है, जो उस लड़की ने किया हुआ है, वो बहुत ही गलत है। उसकी वजह से जो है और लड़कियों का नाम बदनाम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया अपने लड़की होने का, ठीक है। उसकी वजह से जो लड़के हैं वो किसी भी लड़की से थोड़ा सा डर के ही चलते हैं। वैसे भी वो कैब ड्राइवर कुछ नहीं कर पाया वहाँ पर, क्योंकि वो लड़की थी, वो बेचारा बोलता ही रहा वहाँ पर कि अगर आप लड़की ना होती तो मैं कुछ करता। तो इस वजह से लड़कियों को तो थोड़ा पावर मिल रहा है गलत करने के लिए, और हर जगह गलत लड़कियां अगर गलत होती हैं तो भी बॉयज़ के खिलाफ ही एक्शन होता है। तो मतलब आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन में कानून लड़कियों पे उतने लागू नहीं होते हैं जितने लड़कों पर हो रहे हैं? और क्या, ये भी हम बात कह सकते हैं, क्योंकि हर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम टाइम, मानते हैं कभी बॉयज़ भी गलत होते हैं, पर बेसिकली यहाँ पर गर्ल्स की भी गलतियाँ होती हैं। वहाँ पर पुलिस वाले थे, उन्होंने सीधा पूरी मामले की जांच होती, जांच होने के बाद एक्शन होते, तब पता चलता गलती किसकी है। उन्होंने तो डायरेक्टली बॉय को ब्लेम करके सीधा उसको जेल में डालने की बात कह दी, तो उसमें तो पहले जांच होनी चाहिए ना। मामले को एक महीना हो गया है, अब तक प्रियदर्शनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर अब तो सबको सब कुछ सामने है, सीसीटीवी फुटेज आ गई है, सब कुछ आ गया, अब तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना इस मामले में। क्यों नहीं हुई है कोई कार्रवाई, आपको क्या लगता है? अरे, उनके पास भी पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, बेचारा कैब ड्राइवर गरीब है, कोई चीज़ उसके साथ नहीं कुछ हो पा रहा है, और वो लड़की है, सबसे बड़ी बात ये है, तो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है उसके खिलाफ। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो ये कहना है कि मामला जो है रफा दफा करने के चक्कर में इसको दबाया जा रहा है फिलहाल और फालतू में, लेकिन जैसे कि देखा जाए जो ड्राइवर था उसने बल्कि ये भी कहा कि उसकी माँ ने उसको ये नहीं सिखाया, उसकी माँ ने ये सिखाया है कि जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम अपनी राह चलते रहो। कौन रफा दफा करना चाहता है? अब जाहिर सी बात है, सरकार के खिलाफ या जो भी है, जो मतलब कि जिससे जिसको जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है, लाइक जैसे इमेज, सरकार की अगर इमेज डाउन होती किसी चीज़ में तो वो उसको डाउन करना चाहती है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इससे सरकार की इमेज कैसे डाउन हो रही है? सर, जाहिर सी बात है, जब जाँच ही नहीं हुई, पहले ही FIR अगेंस्ट फाइल हो गई कैब ड्राइवर के खिलाफ, तो उनको पहली बात FIR करने से पहले आदमी पहले तहकीकात तो करता है, ये नहीं सीधे पहले जाके लिख लिया। जब सारे CCTV सबके पास, सबके फ़ोन में प्रूफ था, अब उसके बावजूद भी अगर कोई मतलब कि FIR पहले उसके खिलाफ लॉन्च हो गई, फिर अभी आपने देखा होगा एक रिएक्शन आया कि रक्षाबंधन के दौरान प्रियदर्शनी ने कहा कि मैं उसको मतलब कि राखी बांध के मतलब यू नो मैटर को जो है सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। तो ये तो वही बात फ्लिप वाली बात हो गई ना, कि पहले तो यार तुमने स्टैंड लिया, उसके बाद फिर कह रहे हो कि मतलब टोटली मतलब फालतू की चीज़ थी। आपको नहीं लगता अगर सरकार को स्टैंड लेती है तो सरकार की इमेज ज़्यादा क्लियर होगी? अब बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, अगर लेती है, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से इंडिविजुअली उसको अनाउंस करना चाहिए पर्टिकुलर चीज़ों पे, कि इन केस अगर भी जैसे वेमन कोई भी कार्ड खेलती, वेमन कार्ड का खेलती कोई भी लड़की, तो एटलीस्ट उसको समझाए, एटलीस्ट उसके ऊपर कोई एक्ट लगे कम से कम, जिससे कि आइंदा इसके रहते हुए और भी जितनी वुमेंस हैं वो उस चीज़ों का नाजायज फ़ायदा ना उठाएं, मेरे हिसाब से। आपने देखा होगा हमेशा ये होता है, आज से 4 या 5 साल पहले 2015 में दिल्ली में सरबजीत केस हुआ था, जिसे दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया गया था, जो 4 साल बाद बेगुनाह साबित हुआ। तो ऐसे में नहीं आपको लगता है जो सरकार, पुलिस प्रशासन जो लड़कों के लिए तुरंत एक एक्शन लेती है बिना सोचे समझे और लड़कियों को बिल्कुल ढील देती थी, उसमें लड़कों की ज़िंदगी ख़राब होती है? ये तो मैं वही ऑब्वियस ही बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो दिल्ली हो फिर या UP, चाहे वो कहीं की पुलिस हो, लड़का मतलब
उसको विक्टिम मतलब बिल्कुल आप समझ लो गिल्टी उसके ऊपर होती है, उसको ये नहीं कहते हैं कि आप जाके सबसे पहले कुछ भी चीज़ें मतलब यानी उसने कुछ किया भी नहीं है तो सबसे पहले एक्शन तो पहले हो जाएगा, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। मतलब उसकी देखते से लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई ना, उसकी इमेज, उसका करियर अगर देखा जाए, ये तो फिलहाल कैब ड्राइवर था तो नाउ अब उसके पास सिंपैथी मिल रही है उसको, बट उससे पहले तो क्या होता है आप जानते हो। कोई मैसेज पुलिस के लिए? लखनऊ पुलिस के लिए तो स्पेशल यही मैसेज रहेगा कि जो एक्शन लेती हो एटलीस्ट सबसे पहले जो हुआ है वारदात है ना, पहले उसकी एक बार इन्वेस्टिगेट करो उस चीज़ को, देन उसके बाद आप एक्शन तो ले ही रहे हो यार, तो पहले एक बार इन्वेस्टिगेट करके अगर किसी के आप एक्शन लेते हो तो वो ज़्यादा वो पड़ेगा बेनिफिट। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, लाइक जैसे कि बहुत सारे केसेस में भी देखा गया है कि लड़कियाँ पब्लिसिटी के लिए किसी भी पर्सन पर आरोप लगा देते हैं या किसी को भी कुछ कह देते हैं, तमाचा मार देते हैं। अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लॉ किसी को ये नहीं कहता कि आप भरे बाजार किसी को तमाचा मार देंगे या थप्पड़ मार देंगे, तो उस कैमरे में क्लियर दिख रहा है कि लड़की ने उसको तमाचा मार दिया ड्राइवर को, तो सबसे पहली चीज़ तो लॉ का वायलेशन यहीं पे हो गया। दूसरा क्या है, उस कैब ड्राइवर ने अपनी तरफ से लड़की पे हाथ नहीं उठाया, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हाँ जो पर्सन है एटलीस्ट उसने रिस्पेक्ट किया लड़की को। तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से कार्रवाई करनी चाहिए, जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है उसे फॉलो करना चाहिए जी। तो वैसे आपको ये नहीं लग, पिछले साल जोमेटो केस हुआ था, एक लड़की ने वीडियो बनाया, एलिगेशन लगाया कि डिलीवरी बॉय आया उसने मुझे मारा, उसके बाद भी डिलीवरी बॉय के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया, पर यहीं पर अगर कोई लड़की होती मतलब कोई लड़की को किसी लड़के ने एक्यूज़ किया होता तो इतनी जल्दी एक्शन लिया जा सकता? देखिए यहाँ पे ये जो केस था डेफिनेटली सी बात है कि अगर कोई लड़का ब्लेम करता है लड़की पे तो डेफिनेटली ये आपको भी पता है कि मीडिया में तो ये केस कभी आता भी नहीं है, इवन सोशल मीडिया पे वैसे अगर आप देखोगे तो लाखों मुद्दे पड़े मिलेंगे आपको कि इस लड़की ने मुझे परेशान किया, लड़के कितने आवाज़ उठा रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। यहाँ पे लड़की की बात आती है तो पब्लिसिटी स्टंट हो जाता है कि लाइक डिलीवरी बॉय जोमेटो ने मुझे मारा, मैं मेरे साथ ज़बरदस्ती किया या मुझे पैसे लिया, तो वो एक पब्लिसिटी स्टंट हो जाता है गर्ल्स के लिए। और इस चीज़ को लेके आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पे जो मतलब मैं अपनी ओर से कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लड़की सही भी है और उसके साथ वाकई में कोई हादसा हो रहा होगा, अगर वो आगे आके मीडिया में अपनी चीज़ को बात को रखेगी तो क्या पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक फीमेल्स के लिए भी गलत इम्पैक्ट जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि आगे जो असली में ऐसे मुद्दे होंगे जहाँ पर लड़कियों को लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी लेकिन लोग नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लड़कियां उस चीज़ को गलत तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए अगर आप हम देखें यहाँ भी हम नोएडा पे दिल्ली पे खड़े हैं जैसे कि, तो यहाँ पे फिर भी ठीक है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, लेकिन विलेज एरिया में क्या होता है, ऐसे कई सारे मुद्दे रेगुलर होते हैं लेकिन घर परिवार वाले अपनी इज्जत के नाते उस चीज़ को दबा देते हैं। क्यों दबा देते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोग समाज के उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अल्टीमेटली वो लड़की को ही गलत कहेंगे। तो अगर कहीं पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, दबंगई हो रही हैं, तो वहाँ पर लड़कियाँ शांत रह जाती हैं। और लखनऊ एक अच्छा खासा सिटी है, जाना माना सिटी है, वहाँ पे प्रॉपर फुल पावर होता है गर्ल्स को कि वो घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, टहल सकते हैं। अगर उस सिटी में इस तरह का बेसिकली हैपन हो रही हैं चीज़ें, तो आपको नहीं लगता कि आगे चल के अगर रियल में ऐसा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे लड़का गलत होता है लड़की सही होती है तो पुलिस किसकी ओर ज़्यादा फोकस करेगी? आपको नहीं लगता है क्वेश्चन मार्क है कुछ? जी ज़रूर। तो आपके पुलिस के लिए कोई मेरा एक ही संदेश रहेगा कि लाइक इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और जो भी गिल्टी हो उसको बेसिकली जो भी कानून के तहत सजा हो उन्हें वो सजा दी जाए और उस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी मुद्दा ख़त्म होगा उतनी जल्दी हमारा भरोसा कानून पे दोबारा से होगा। प्रियदर्शनी यादव के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली जो उसने किया वो वाकई में गलत था, जिस तरीके से उसने सोशल मीडिया पर जो जिस तरीके का जो झूठ जो फैलाया एक्चुअली वो झूठ ही था। वो एक्चुअली जब हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसके रिगार्डिंग सब झूठ था उसका। पहली बात तो जिस इक्वालिटी राइट्स की वो बात कर रही है वो दोनों के लिए इक्वल्स होने चाहिए थे, जो कि उस लड़के के साथ वाकई में गलत हुआ था। जब साफ साफ हमें दिख रहा है तो वो चीज़ जो चीज़ उसने बोली वो एक्चुअल में नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लड़की गलत है, वो उस टाइम उसे किसी भी टेंशन में हो सकती है वो, बट लड़की ने जो किया उस टाइम गलत था वो। आपने सरबजीत के बारे में सुना है 2015 में जो दिल्ली में उसके साथ हुआ था, उसने 4 साल बिना किसी वजह के बिना किसी गलती के बहुत कुछ झेला, बहुत बदनामी झेली, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये टॉपिक बोरियत है? टॉपिक बोरियत नहीं है, वी आर नो वन टू से एनीथिंग इन एनी केस बिकॉज़ वी डोंट नो एनीथिंग। मैम यू आर पब्लिक, आर पब्लिक बट वी इन सच केसेस वी डोंट नो एनीथिंग राइट। आपको मतलब क्या लगता है प्रियदर्शनी जो किया वो सही था?
No, obviously it was wrong. आपको ये नहीं लगता कि प्रियदर्शनी जो किया है उसकी वजह से कल को अगर किसी लड़की को सच में पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो उसे भी गलत समझेंगे? ऐसा कुछ नहीं है. Every case is different. Every case is different, but प्रियदर्शनी जैसे लोग गर्ल्स राइट का या वुमेन्स राइट का गलत इस्तेमाल क्यों करता? I mean, it is individual thing, right? We cannot say anything. What's your individual? It is not. What your it is not about a girl or a man. It is about someone's identity. She was a psycho person. What she does, she is her identity and her thinking. मैम, इट्स अबाउट अ वुमेन, क्योंकि अगर कोई लड़का ऐसा करता तो शायद अब तक वो जेल के पीछे होता. ऐसा कुछ नहीं है. आपको नहीं लगता कि बीच सड़क पर कोई लड़का किसी लड़की को 22 थप्पड़ मारता उसके बाद भी वो खुलेआम घूम रहा होता? कर जी, ऐसा होता है. एक एग्जांपल. एग्जांपल एवरीवन हैज देयर इन पर्सनल लाइफ. मैम, दैट्स पर्सनल, बट ऑन अ पब्लिक पर्सनल लाइफ में सबने एग्जांपल देखा होता है. अब ऑब्वियसली मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप उसको नहीं जानते होंगे. दैट इज अ सिंपल थिंग. मैम, बट ऑन अ मास स्केल ऐसा कोई एग्जांपल है जो आप बता सकते? नहीं. आप प्रियदर्शनी यादव जानते हैं? हाँ जी, जानता हूँ. क्या जानते हैं? ओ, लखनऊ की एक ड्राइवर को उन्होंने थप्पड़ मारा था ऐसे ही. तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिना जाने हुए. मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है, मतलब बेकार में उन्होंने ऐसा उसको मार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको. आपको क्या लगता है अगर उसकी जगह पे कोई लड़का ऐसा करता तो उसके साथ क्या होता? उसके साथ तो फिर तो आपको पता ही है, जनता लोग उसके पीछे पड़ जाती और जनता उनको मतलब चारों तरफ से घेर ओढ़ के उनको मारने उड़ने लग जाती. तो इसलिए जो भी उन्होंने किया, उस लड़की ने जो भी किया, वो बहुत गलत किया. ऐसा नहीं करना चाहिए था. बातों को समझनी चाहिए थी. बाकी जो जनता वगैरह वहाँ पर खड़ी थी उनको भी समझनी चाहिए थी बातों को. सोचना समझना चाहिए था. लेकिन लोगों ने मतलब उसको ही दोष माना और मतलब उसको जेल वेल का भी मतलब ऐसा कुछ हुआ. हमेशा लड़कों साथ ही ऐसा क्यों होता है कि लड़कों को ही दोषी माना जाता है? लड़कों के साथ ऐसा होता है कि आपको भी पता है कि भारत में क्या होता है. लड़कियों का प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. तो लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये लड़के की गलती हुई, जो कैब ड्राइवर था उसकी गलती होगी, और बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर सारे लोग मतलब मार पड़े उनको. मतलब लोगों की ऐसी मैंटेलिटी क्यों है? लोगों की मैंटेलिटी, हर किसी की मैंटेलिटी अलग अलग होती है. तो कोई कुछ और सोचता है और काफ़ी लोगों का मतलब आपको पता ही है कि कोई सोचता होता है तो सबकी अलग अलग अपनी मतलब उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है. एक महीने से ऊपर हो गया है इस पूरे मामले को, अब तक प्रियदर्शनी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ये तो गलत है. ये आपको पता है कि भारत की जितनी भी मतलब वो पुलिस वगैरह है वो तो ज़्यादा कुछ करती नहीं है. वही अगर किसी लड़की के साथ रेप वगैरह हो जाता तो आपको पता है कि काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मतलब उसके बारे में कुछ गलत बोलते हैं फिर. आप प्रियदर्शनी यादव? हाँ बिल्कुल जानते हैं. क्या जानते हैं आप उसके बारे में? बेसिकली लखनऊ में जो कैब ड्राइवर वाला इंसिडेंस हुआ था तो वो गलती कहीं ना कहीं एक तरीके से लड़के की थी कि उसने उसको छोड़ दिया. मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि उस लड़के मतलब देखा जाए तो उस लड़के ने भी एक तरीके से एक मार्क लोगों के लिए लेकर आया है और कि हाँ लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए. बट वो सही था उस टाइम पर, तो उसको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था. क्या एक्शन? इवेंचुअली उसको पुलिस को अप्रोच करना चाहिए था. वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वहाँ पीछे खड़ी थी, पुलिस वालों को दिख रहा था, पुलिस वालों ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया. ऐसे में आप होते आप क्या करते? मैं होता तो एक तरीके से देखा जाए तो लड़के के ऊपर हाथ तो नहीं उठाता, लेकिन इवेंचुअली उसके ऊपर मैं कहीं ना कहीं केस वेस तो करता ही. वो तो उसने भी किया, एक महीना हो गया केस किए हुए, कोई बिल्कुल बिल्कुल. तो जहाँ तक वह गलती की बात बोलूँ तो पुलिस वालों की भी गलती थी. तो उनको इवेंचुअली अगर वो देख भी रहे थे कि सामने कुछ ऐसा इंसिडेंस हो भी रहा है तो उनको इंटरफेयर करना चाहिए था बीच में. एक महीने से ऊपर हो गया है, अब तक केस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्यों? ये तो पूरी की पूरी जो भी हमारा सिस्टम है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट वाला हो या फिर जुडिशियल सिस्टम हो, तो वो बहुत स्लो है. ये केस क्या मतलब बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो महीनों महीनों सालों तक पेंडिंग रहते हैं, बट उसके उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है. इवेंचुअली कुछ केसेस ऐसे होने चाहिए जिनको फास्ट ट्रैक पर डाला जाना चाहिए और फिर उनको सुनवाई जल्दी होनी चाहिए. अगर किसी लड़के ने ये किया होता तो भी ये केस इसी तरह आगे बढ़ रहा होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे जितने भी हमारे फेमिनिस्ट दोस्त वगैरह हैं तो वो तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वो केवल कुछ मतलब लड़कियों के हक के लिए बात करते हैं. बाकी अगर लड़के का हक वाली बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं और वो चीज़ उन्हें दिखती नहीं है कि हाँ वहाँ पर लड़के को भी सपोर्ट करना चाहिए. अच्छा, एक चीज़ और, ये वीडियो सामने की बात आने के बाद प्रियदर्शनी ने बोला कि उसके साथ पास्ट में बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं जिसकी वजह से उसका इंस्टेंट रिएक्शन वही था कि उसे लड़कों ने मारा है, उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें. एक ड्रोन वाला वीडियो और सामने आया था. तो मतलब ऐसी लड़कियों से
क्या मतलब अगर सड़क पे ऐसी लड़कियां घूम रही हैं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? ये सवाल तो थोड़ा हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल क्या मतलब जेन्युइन ही है बेसिकली, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मेरे को साइकोलॉजिकल थोड़ा सा डिफेक्ट लगा उसके अंदर, लड़की के अंदर, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं मार्क करता है इस चीज़ को। अच्छा मैम, आप बात नहीं करना चाहती, आपसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रियदर्शनी ने जो किया वो सही था? चाहती हूँ कि इसको ना पूरा जेंडर बेस्ड इशू ना बनाया जाए, इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाए। अच्छा, अगर जेंडर कोई भी इशू होता है तो आप उसे लड़का लड़की ऐसे मत बोलो, क्योंकि हर किसी के पर्सनल इशू होते हैं, तो आई वांट हर चीज़ इंडिविजुअली देखी जाए, जेंडर के उस पे ना लाया जाए। लखनऊ में 22 थप्पड़ मारे। अच्छा अच्छा, हाँ वो लेडी, हाँ याद है याद है याद है याद है, वो कैब ड्राइवर को जिसने 22 थप्पड़, तो उनकी गलती थोड़ी थी कोई भी, वो तो चल रही थी रोड पे, बस वो भाई दूर से बाइक वो गाड़ी चला रहे थे तो बच गई, और फिर गाड़ी हवा में से मतलब उड़ गई थी, उनके थोड़ी लगी थी कुछ भी, पर लेकिन वही गलती लड़कों की होती है हमेशा। क्यों ऐसा क्यों है कि गलती हमेशा लड़कों की? मेंटेलिटी होती है, मेंटेलिटी। ये मेंटेलिटी क्यों बनी हुई है? पढ़े लिखो वाली बात होती है, जितने पढ़े लिखोगे उतनी आगे बढ़ोगे। सर ने बोला कि लोगों की मेंटेलिटी होती है कि लड़कों की ही गलती होती है, आप किस बारे में कह रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि एक पर्टिकुलर, ये नहीं बोल सकते कि लड़कों की ही गलती होती है, बट हाँ देखने को तो यही मिलता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट होता है, हाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा, जैसे कि अगर गलती नहीं है लड़के की तो भी लड़की की सपोर्ट किया जाए, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की हूँ तो लड़की की सपोर्ट मैं बोलूँगी, हमारे लिए दोनों ही सेम होते हैं। राइट, अब ये बताओ यार, सब कुछ सेम होते सारी बात ठीक है, अब ये बताओ लड़कियाँ गाड़ी चलाए कुछ भी चलाए, लड़के इतने दूर क्यों खड़े जाते हैं? कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कहीं पे, कोई ना कोई फैक्ट होगा, हर जगह बोलते हैं कि लड़की लड़के दोनों बराबर है, ट्रीट करो। जब उस लड़की ने चाटे मारे लड़का भी तो मार सकता था, पर वैल्यू थी ना उसे भी, कदर उसे घर पर माँ बहन होगी, तो वही वाली बात होती है, किसी को सोचना पड़ता है कि अगर लड़की किसी को बोल दे गलत है तो लोग सोचेंगे नहीं कि भाई लड़का सही हो सकता है नहीं हो सकता, लड़का गलत है मतलब है, बाद में जब प्रूव हो जाएगा कि चलो वो बंदा ठीक है तब सब बोलेंगे हाँ कि लड़का ठीक था, बाद में क्या होता है सॉरी बोल देते हैं, कंपनसेट में क्या होता है, कंपनसेट में भाई कंपनसेट में मैं उस लड़के को मैं ही पैसे दे देता, इतना तो हर कोई करता है, कंपनसेट कोई भी दे सकता है, बस बाद में कंपनसेट बोल दिया, सॉरी भी लड़की ने बोला नहीं, लड़की ने भी पता नहीं क्या क्या कर दिया, उसे पहले की भी वीडियो देख लेना, मैंने सारी चेक कर रखी है, जो वो भी बोलते कि मतलब हमारे यहाँ पर ये वीआईपी लोग हैं और ऐसे थे, आप हार्म नहीं पहुँचाओगे, मतलब यहाँ पर ब्लैक कलर करके पेंट करके वाली वीडियो भी देखी थी मैंने उसकी। एक महीना हो गया प्रियदर्शनी पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, वो सड़कों पर खुलेआम घूम रही है, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? देखो मैं आपको क्या बताऊँ, चाहे किसी की भी हो, हमारी वो भी बहन जैसी है, कोई अलग तो है नहीं कि मैं उस घर में उल्टा बोल दूंगा कि मतलब हमारे भी घर पे बैन हो गई, अगर कोई देखेगा कल को बुरा ही लगेगा, ठीक है किसी को भी, पर ये है कि लड़कियाँ जहाँ चलती है ना मैं दूरी चलता हूँ उनसे, जहाँ भी लड़कियाँ चलती है अगर रोड पे भी कहीं पे भी हो मैं उनसे थोड़ा मतलब फासला बना के चलता हूँ मैं तो गैप में, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल्ट ना हमारा ही हो जाता है लड़कों का हर जगह, और लड़के कुछ नहीं, जब आप खुद सोचिए ना पुलिस वाले होकर उनके साथ में कुछ नहीं कर पा रहे तो बेचारा अकेला लड़का क्या कर लेता। मैम अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को इस तरह से 20 सड़क पर 22 थप्पड़ मारे होते हैं तो आपका रिएक्शन? सॉरी, तो मतलब आपका ओपिनियन क्या होता है? जो अभी है वही होता? नहीं नहीं वो नहीं होता, देखो अभी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इन्होंने बोला कि मैं लड़कियों से डिस्टेंस बना के चलता हूँ, राइट, तो ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियाँ सेम ही होती हैं, ये इनका गलत ओपिनियन है कि सारी लड़कियों से डिस्टेंस बना के चलते हैं, ठीक है, अगर इनको लगता है मतलब ये स्टार्टिंग की प्रथा है कि मतलब गर्ल्स के फेवर में होते हैं, बट धीरे धीरे ये भी सारी चेंजेस हो जाएंगी क्योंकि अब लड़कियाँ भी कम नहीं पड़ रही हर चीज़ में। तो आपको नहीं लगता कुछ लोगों की वजह से पूरे जो गर्ल्स कम्युनिटी है उन पे गलत उंगलियां उठती हैं? नहीं ऐसा नहीं है कि गलत कम्युनिटी उठ रही है, वो उसकी वो थिंकिंग बनती है ऐसा, बट रिसेंटली ऐसा चल रहा है, ऐसा बॉयज अपने आप को बचाना सिक्योर इसलिए समझते हैं कि गर्ल्स अपने आप को पावरफुल समझती हैं आज की डेट में, अगर बीच रास्ते में सिस्टर ने बोला था अभी कि गर्ल्स ही गलत नहीं होती बॉयज भी गलत नहीं होते, कई बार ऐसा भी होता है कि गर्ल्स अपनी रेपुटेशन भूल जाती है उस वक्त जिस वक्त सामने कुछ ऐसा उसके साथ में रिएक्ट हो जाता है, बॉयज हो या वो बड़ा आदमी हो, उसको लगता है कि ये मेरे साथ में गलत कर रहा है, बट वो गलत नहीं है, लेकिन रोड पर चलते सब में कहते हैं ना कि किसी चीज़ को कोई लड़की छेड़ दे या किसी लड़की को ऊपर पावर होती है, तो थोड़ा सा गर्ल्स ये होती है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मतलब अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है। एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग, तो मतलब ये तो मैम रूल्स का गलत यूज हो गया, तो ये धीरे धीरे रूल्स चेंज होंगे ना, मैंने बोला स्टार्टिंग से है ये, अब धीरे धीरे आपको जैसा बताइए कि मोदी जी ने बराबर कर दिया, बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ आंदोलन, मैं भी कह रहा हूँ कल को मेरी भी 2-3 लड़कियाँ हों और सारी बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि जैसे वो लड़का पिटा है ना तो कंपनसेट में यार 1-2 चाटे तो पढ़वा दो कम से कम, बराबर कर दो यार, कब तक अलग करोगे, 22 उसने मारे 1-2 वो भी मार देगा, बात बराबर हो जाएगी,
नहीं नहीं ये बात लड़की का केस है। अगर अगर हमारे नहीं 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 ये बात बिल्कुल गलत है। अपनी साइड से बोला कर रहा हूं, जिसको जैसा लगता है वो अपने मैम सर की बात है। आप क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि उससे मतलब चांटा मार के ही उससे बदला लिया जाए, और भी एक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप टिट फॉर टेट वाला होता है, जैसे को तैसा, वैसा नहीं हम बोल सकते। बाकी जो भी एक्शंस होते हैं वो लिए जाए, हाँ बिल्कुल लिए जाए। लिखी बात को मैं जब करता, अगर ना टिट फॉर टेट वाली जैसे बात बोल रही ना, मैंने चांटे वाली बात मैंने इसलिए बोली, मैं सुनना चाहता था इनका ओपिनियन क्या है। पहली बात तो ये था कि मतलब उस लड़की ने अभी तक भी सॉरी नहीं बोली कहीं भी। अभी तक लड़की ने अपने आपको माना नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है। लड़की अगर मानती तो ठीक था। अब ये बताओ, लड़की गलती नहीं मान रही, लड़की गलती करने पे भी गलती नहीं मान रही, लड़का सिर्फ इतना बोल रहा है कि भाई मैं गरीब आदमी और मेरा करवा दो कुछ। तो आप ये बताओ, अगर हमारे जैसा था तो मारता ना, तो मैं तो मारता ही, छोटी सी बात है, मैं तो मारता ही ना। अगर आप मारते हो तो पब्लिक क्या करती? पब्लिक क्या करती है, वो कुछ भी करती है वो अलग बात है, पर लेकिन अब 22 चाटे कोई भी खा के बैठेगा। बोल रहे मारने के लिए कि उस टाइम पे ये भी नहीं मार सकते थे, ये एक्शन दिलवा सकते थे, बट उस टाइम पे ये भी नहीं मार सकते। यही तो मैम हमारा सवाल है कि ऐसा क्यों, लड़कियों को लेके इतनी पार्शियलिटी क्यों? नहीं पार्शियलिटी वो मैं आपका समझ रही हूँ, समाज में ही पार्शियलिटी है क्यों? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है समाज में। महिला थाने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबसे पहले लड़कियों को काउंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें जो है सबसे ज्यादा तेज लड़की होने का वो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, ये तो हर जगह पे ही है। अच्छा ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2015 में सरबजीत दिल्ली में आपने सुना होगा, दिल्ली का दरिंदा जिसने कुछ नहीं किया था, बस उसकी एक फोटो खींच के कोई डाल देता है, मोलेस्ट करता है, 4 साल वो अपनी जिंदगी के बर्बाद करता है। गर्ल्स अपने मतलब पावर का ना मिस यूज करती है, कभी कभार होता है ना कि गर्ल्स यूज नहीं मतलब सही नहीं करती है, बट ये है कि लड़का गलत नहीं होता हमेशा और लड़कियां भी गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभार गर्ल्स ये सोच लेती है ना कि हम बहुत पावरफुल है, अगर हम गलत भी बोलेंगे ना तो सब सही मानते हैं, तो गर्ल्स अपने पावर का मिसयूज करती हैं। बहुत ज्यादा जगह ये चीज होती है कि हाँ गर्ल्स पावर का मिसयूज करती हैं, बट ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर जितनी पावर गर्ल्स के साथ है उतनी पावर बॉयज के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि हर लड़का गलत नहीं होता और हर लड़की सही भी नहीं होती है। भाई 1 महीना हो गया है अब तक प्रियदर्शनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर आप क्या कहोगे? सर देखो मेरा कहना का मतलब तो यही है कि उनके ऊपर जो भी अगर वो गलत है तो उनको गलत ही मिलना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो गलत है। अगर बॉयज़ सही होते हैं अपनी जगह तो बॉयज़ को भी मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए उनको कि अगर वो है कि तो मैं सपोर्ट करूं। ये चीज़ नहीं होती कि अगर वो गलत है तो उसको फिर और ज़्यादा पावर मिले कि वो फिर भी गलत की गलत करती जाए, ये चीज़ होती है। वो वीडियो आने के बाद उसने एक और वीडियो अपना उसका एक और वीडियो सामने आया था जहाँ पे बोल रही थी उसे 200-300 लोगों ने मारा है, अब इस बारे में क्या? 200-300 लोग मारे तो वो अपनी पावर का मिसयूज हुआ ना, अगर यही चीज अगर कोई बॉयज करता तो अभी अगर 200-300 लोग जो थे अगर एक एक थप्पड़ भी मारता ना वो मारता तो वो तो वैसे ही मर जाती, आईसीयू में पहुंचती डायरेक्ट। झूठ बोलने का तो कुछ भी झूठ बोल लो ना सर, जिंदगी में कुछ होना हो, मैं यूपी से हूँ खैर से, एक बार हमारे एरिया साइड भेज देना, हम अपने आप फैसला कर लेंगे अपना, अगर ना हो मोदी जी पे तो। जो आपने सरबजीत वाले केस की बात बोली थी, सरबजीत वाले केस में जब वो बंदा थाने में बैठा हुआ था, एक पीछे से विटनेस आया था थाने के पास में कि यहाँ कि मैंने देखा है केस, जो वहाँ पे थानेदार खड़ा हुआ था उस बंदे ने भगा दिया था, उसने बोला था कि जो भी आपको बोलना होगा सीधा कोर्ट में आके बोलना, तो इसी चक्कर में वो बंदा जो था गवाही देने आया था वो तक नहीं आया था वहाँ पे कोर्ट के अंदर, और वो उस बंदे को वहीं से भगा देता। बट अगर वही लेडीज, अगर लेडीज के मामले में अगर कोई ऐसे बोलने आता ना कि हाँ भाई मैंने देखा है, तुरंत तो उसी बंदे को वहीं पे बिठा लिया था कि हाँ भाई आप गवाही देने आए हो तो गवाही दो यहाँ पे, क्योंकि ये चीज सारा सरबजीत ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला था। सरकार सर दारा वाली बात है, कोई लड़की वड़कियाँ बनना हो बुरा लग जाएगा उन्हें। सर लड़के और लड़की अगर जैसे फिजिकल हो जाते हैं ना, तो रूल है हमारे यहाँ पे बना दिया है कि अगर जैसे लड़की अगर कंप्लेंट कर देगी तो रेप केस लग जाएगा लड़के पे अगर शादी नहीं करता बाद में, लेकिन अगर लड़का जाएगा ना करने के लिए तो मूवी भी बनी है, इस पर मूवी चेक कर लेना, सबके सामने बोल रहा हूँ मैं बात। अगर लड़का जाएगा ना तो लड़के को मारा भी जाएगा, मोलेस्ट भी किया जाएगा लड़के को अलग अलग तरीके से, लड़के को वापस भेज दिया जाएगा, बोलेगा बहन जो तेरे पे खुद नहीं रुका गया, तो मतलब कि हर जगह है ना लड़के को ना मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट दिखाते हैं, तो यही बात होती है कि कहीं ना कहीं दिखाना तो है ही, लड़का ही नीचे आता साफ सीधी आता है, लड़का हर जगह झुकता है घर पर भी बाहर भी हर जगह। चलिए एक लास्ट बात, सबसे लास्ट बात, सारे लोग जो अपना ओपिनियन देना चाहे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज कि रूल्स में क्या तब्दीली कर सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन है सही से लो, सबके सामने शो करो, ठीक है हर चीज़ होती है सही तरीके से होती है, ये अगर ना दिखा दिया तो सोच समझ के लें कि बंदा सही है या नहीं, गलत है या नहीं है। कभी कभी क्या सही लड़के फंस जाते हैं गलत कामों में, अब उनकी गलती नहीं लेकिन फंस गए। प्रियदर्शनी वाले केस के साथ में भी होना इसका बनना कुछ नहीं है, जैसे उसका सरबजीत का केस था, जोमेटो वाले का केस था, 2-4 महीना घिसे हैं उसके बाद साथ ही साथ वो खत्म भी हो गए थे, ठीक है सेम इस केस के साथ में भी होना है, ये 3-4 महीने और घिसेगा उसके बाद ये केस भी रफा हो जाना है, इसका बनना कुछ नहीं है। हाँ जी आपका नाम?
नाम गुलफाम है जी। गुलफाम जी, लखनऊ से कुछ दिन पहले हमारे सामने एक वीडियो आया था जहां पर एक लड़की एक कैब ड्राइवर को उछल उछल कर 22 थप्पड़ मारते हुए नजर आई थी, और कैब ड्राइवर बस ये कह रहा था मेरी गलती क्या है जी। बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आई जी। तो पता चला कि उसकी वास्तव में कोई गलती नहीं थी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें लड़की पर एक्शन आना चाहिए, बस लड़की पर एक्शन आना चाहिए। एक महीना हो गया कोई एक्शन नहीं हुआ, तो वो गलत सरकार गलत बात है भाई। ये लड़के को बत्ती बजे आपको रैलेट पे देख लिया, आपने कैमरा सूद पकड़े गए, सब कुछ हर्ज की लड़की की जो बात थी, तो लड़की पर रिएक्शन होना चाहिए भाई। ये आपने जैसे कहा आप मुद्दे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले पूरा मुद्दा समझाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप ऑटो चलाते हैं, वो कैब ड्राइवर था, तो ऐसे कल को अगर कोई भी लड़की ऐसे खुल के किसी भी के साथ ये तरह की इस तरह की हरकत कर सकती है, तो आप कैसे मतलब? भाई ये गलत है, होना चाहिए इस पर एक्शन होगा, जब आगे से कोई लड़की ऐसी हरकत नहीं करेगी। ये लड़कों से अगर आपकी रोड पे किसी लड़की से लड़ाई हो जाए तो लोग किसे गलत समझते हैं, आपको की लड़की को? गलत हमें समझेंगे। क्यों? वो लड़का है ना, लड़की होती तो लड़की को गलत समझते नहीं, लड़की हर जगह चलती है। मतलब ऐसा क्यों है, लड़कों को क्यों गलत समझा जाता है? भाई ये बस कहने वाली बात है, लड़का तो गलती नहीं करता, लड़की गलती होती है तो लड़के के ऊपर आती है सारी बातें, अक्सर होता है ऐसा भाई। अभी फिलहाल एक महीना हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये बात सरकार के ऊपर नहीं करने रही है, पुलिस वाले नहीं कर रहे कुछ। तो दर्शकों देखा आपने, आज का युवा अब बदल चुका है, क्योंकि ये नया भारत है, नया राष्ट्रवाद है और नए बदलाव की बयार है। तो ऐसे में आपने चीजों को समझने की कोशिश की होगी कि आज का युवा क्या चाहता है। आज का युवा गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखता है। लखनऊ में जो कुछ घटना हुई वो सरासर गलत है, क्योंकि इससे पहले हमने बेंगलुरु का कांड देखा, इससे पहले हमने सरबजीत को रोते देखा, 4 साल का वक्त और फिर जाकर न्याय मिला। लेकिन प्रियदर्शनी के मामले की पोल खोल दी सीसीटीवी ने। ऐसे में ऐसी कई कहानियां हैं जो हमारे सबके बीच में हैं। इन कहानियों पर मैं अपने प्रोग्राम भारत एट 9 में लगातार बात करता रहा हूं। आज आवाज का कार्यक्रम था, इसलिए आपकी आवाज को दिखाना भी जरूरी समझता हूं, इसलिए आपकी आवाज जो है उसको मैंने दिखाया है। दर्शकों एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कोई भी मुद्दा छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी मुद्दा पत्रकार की नीयत अगर साफ हो तो वो बड़ा भी होता है, तो वो छोटा भी होता है। आपको बता दूं, सिर्फ राजनेताओं की बात करना, सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करना, सिर्फ राजनीति की बात करना, सिर्फ चुनावों की बात करना, ये मेरे एजेंडे में कभी नहीं रहा। मैं वो पत्रकार हूँ जो उन मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ जिससे कुछ बदलाव आ सके, जिससे समाज में बदलाव आए, जिससे एक समाज बेहतर दिशा की ओर कदम बढ़ा सके। तो इसलिए मैं कभी भी इन मुद्दों से पीछे हटने वाला हूँ नहीं, और इन मुद्दों को मैं लगातार उठाता रहूँगा। बाकी एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं अंधेरा है और कहीं किरण की ज़रूरत है, तो वो उम्मीद की किरण आवाज़ की टीम हमेशा बनती रहेगी। धन्यवाद।